गोविंदा नाम मेरा नहीं, मेरा नाम नहीं है। इस नाम से एक मूवी आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसमें कि विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर लीड रोल में हैं। और भाई ये कुछ अलग ही है, क्योंकि इसके ट्रेलर और प्रमोशन मटेरियल को देखकर लग रहा था कि ये एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी होगी, लेकिन नहीं, ये टोटली डिफरेंट है और अलग ही मजे देती है। पर खैर, इस पर और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे हो भाई लोग, सब ठीक चल रहा है? आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। तो गोविंदा नाम मेरा एक कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसमें कि अगर कॉमेडी की बात करें तो ठीक ठाक ही है। कुछ जोक्स ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, हिट करते हैं और हंसी आती है, लेकिन कुछ जोक्स ऐसे भी हैं जो कि काम नहीं करते और हंसी नहीं आती। पर्सनली मेरे पे तो नहीं किए, क्योंकि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है। जरूरी नहीं कि जिस पर मेरे को हंसी आ रही है आपको भी आए, या फिर जिस पर आपको हंसी आ रही है मजा आ रहा है मेरे को भी आए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देखते हो। मजा आई तो अच्छा है, नहीं आई तो है ही फिर तो कॉमेडी ठीक ठाक है। इसके बाद अगर सस्पेंस की बात करें तो भाई मूवी में पूरा माहौल बनता है और पूरी पिक्चर ही सस्पेंस है। खाली स्टार्टिंग का आधा घंटा छोड़ दे, क्योंकि स्टोरी को बिल्ड किया जाता है और आधे घंटे के बाद जो मूवी चलती है ना, एकदम ऐसे बवाल हो जाता है और फिर क्लाइमेक्स तक दिमाग घूमते रहता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, सरप्राइज पे सरप्राइज, और कोई भी ऐसे अनलॉजिकल फील नहीं होता। मूवी में एंड तक सस्पेंस अच्छा खासा बना रहता है और एंड तक दिमाग में यही चल रहा होता है कि कौन किसके साथ, प्यार, लव, धोखा, क्या चल रहा है वे। तो मूवी की स्टोरी टोटली थ्रिलर फुल है, जिसमें कि सरप्राइज के बाद सरप्राइज, ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और मजा आती है। तो मूवी की स्टोरी बस इसके बारे में इतना जान लो, क्योंकि अगर गलती से भी स्पॉइलर निकल गया तो आपका मजा खराब हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका मजा खराब हो। तो मैं आपका इतना ख्याल रखता हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो यार। तो गोविंदा वाघमारे नाम का एक लड़का है जो कि डांस कोरियोग्राफर है, लेकिन ढंग से काम कहीं नहीं मिल रहा है और घर में एक दबंग वाइफ है और बाहर एक हॉट गर्लफ्रेंड है। वाइफ से इसको डिवोर्स चाहिए, लेकिन वाइफ का कहना यह है कि 2 करोड़ दे और डिवोर्स ले। और इसकी गर्लफ्रेंड के भी बड़े बड़े सपने हैं कि वो एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर बने और इसके साथ शादी करे। इसके बाद गोविंदा वाघमारे के साथ बहुत सी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एकदम बंदे की चारों तरफ से लगी पड़ी है। और इन सब में हो जाता है एक मर्डर। तो ये मर्डर किसने किया है, क्यों किया है, और इसका इल्जाम किस पर लगता है, और क्या गोविंदा इन सब प्रॉब्लम से निकल पाता है, यही सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद मूवी का स्क्रीन प्ले काफी गजब का है, मतलब इसको जरूर देखना भाई, मिस मत करना। और अगर अब मूवी में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो मूवी की कास्ट काफी अच्छी थी और सभी ने काफी बढ़िया काम किया है। जिसमें कि अगर विक्की कौशल की बात करें तो जैसा कि उनका कैरेक्टर था, पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि बस ठीक ठाक है, चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो परफॉर्मेंस में भी अलग तड़का लगता है और गजब का परफॉर्मेंस दिया है। इसके बाद भूमि पेडनेकर जो कि काफी हॉट लग रही थी, और भाई उनका काम तो आप जानते ही हो, गजब था भाई। इसके बाद कियारा आडवाणी, इन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जेल में इनका सीन है जिसमें लगता है कि हाँ भाई है कुछ। इसके बाद सभी सपोर्टिंग एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है, और जिसमें अगर पर्सनली किसी का नाम लेना हो तो मैं नाम लूंगा रेणुका सहाने का, जिन्होंने इस मूवी में गोविंदा की माँ का रोल प्ले किया है, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है भाई गजब लेवल का था। इसके बाद मूवी में हमको एक यूट्यूबर भी देखने को मिले हैं, विराज गेलानी, आई होप कि मैंने इनका नाम अच्छे से प्रोनाउंस किया होगा, जिनका अच्छा खासा रोल था और उन्होंने परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिया है। तो ओवरऑल मूवी की कास्ट एंड परफॉर्मेंस इज गुड, और मूवी में गाने भी हैं जो कि ठीक ठाक ही हैं, दोबारा सुनने लायक हैं, जिनमें से कि एक तो जुबान से उतर ही नहीं रहा है, हाय रे मेरी बिजली बिजली बिजली। तो बॉलीवुड की एक मसाला एंटरटेनर ही है, जिसमें कि कॉमेडी है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, अच्छी एक्टिंग है और अच्छी मूवी है, बस एक टिपिकल मसाला मूवी नहीं है। और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो मैंने उसका रिव्यू किया था, जिसमें कि मैंने बोला था कि जैसा मूवी को ट्रेलर में दिखाया जा रहा है प्रोबेबली मूवी वैसी नहीं होगी, और मैं सही था, मूवी ट्रेलर से डिफरेंट है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो क्या आपने मूवी देखी, देखोगे? जो भी आपके इस पर ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर कहीं से भी नहीं आ गए हो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।